तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज, मिनी फूड चैलेंज। सारे लोगों ने ये चैलेंज किया है, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था। ये छोटा छोटा मिनी मिनी फूड जो है, स्कर्ट भी पहन के आई हूँ मिनी तो मिनी फूड आज मैं खाने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। अब ऐसे मस्त मस्त चैलेंज जो आपको देखने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे कैसे स्टार्टेड? अब मैं दूंगा चैलेंज के ऊपर चैलेंज, अब आएगा मजा। तो बताओ आज का चैलेंज क्या है? इसको तो मैं बाद में देख लेती हूँ। चलो सबसे पहले कुछ खाते हैं। तो बनाते हैं चीज मैगी। तो सबसे पहले मैं सब्जियों को काट लेती हूँ, फिर मैगी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने टमाटर काट लिया है, अब मैं प्याज काटूंगी। तो प्रिपरेशन हो गई है, अब जल्दी से बनाते हैं मैगी। ये गया पानी, अब पानी का थोड़ी सी देर उबलने देते हैं, तब मैगी ज्यादा जायकेदार बनेगी। तो अब पानी हो गया है गरम, तो सबसे पहले मैं सब्जी डाल देती हूँ। थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज, अब इसे पकाते हैं। अब आई मैगी की बारी। आए, आए, क्या खुशबू आ रही है। अब डालती हूँ मसाला, मिक्स मिक्स मिक्स। अब इसको जल्दी पकाने के लिए हम ढाँक देते हैं, क्योंकि ढाँकने से आँच जो है वो जल्दी से चीज़ों को पका देती है। ये लकड़ी का चूल्हा तो फेल हो गया है, बट ये दिया वाला चूल्हा बहुत अच्छा जल रहा है। इसमें बन रही है मैगी, बस लास्ट इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ के क्यूब्स। ला 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 ला, यमी यमी एंड स्ट्रिंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही यमी एंड डिलीशियस मैगी तैयार हो गई है। अब मैं इसको जल्दी से निकाल लेती हूँ। ये है मेरी यमी डिलीशियस मैगी लू। गाइस मैगी को देख के मेरे अंदर का बच्चा निकल आया है, और वो बच्चा कह रहा है, ओह इस मैगी को तो मैं जल्दी से खा जाऊंगा। ओ नौटंकी, मैंने बोला था ना चैलेंज के ऊपर चैलेंज होगा, और चैलेंज ये है कि जब तक तुम मेरी दी हुई पहेली नहीं सुलझा देती तुम कुछ खा नहीं सकती। पहेली? वो तो मैं यू सुलझा दूंगी, बिकॉज़ आई एम सो इंटेलिजेंट, यू नो। हाँ सुन बुद्धिमान, पहेली ये है, मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चों को खा ले। मैं हरी मतलब कवर तो हरा है, अंदर कुछ काला काला है। इलायची, am I right? हाँ गलती से सही जवाब दे दिया। अब मैं खाऊंगी मैगी। ना 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 ना। बहुत अच्छी बनी है। इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हूँ गाइस मैं, मुझे समझ नहीं आता इतना टैलेंटेड कैसे हूँ मैं। तो अब हम बनाते हैं हमारे सबके पूरी दुनिया के फेवरेट मोमो। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो मैदा को यहाँ पर मैं मार लेती हूँ, उसका आटा बना लेती हूँ। मैंने ले लिया मैदा, एक बाल्टी भर के पानी है मेरे पास। तो गाइस मैदा मैंने मार लिया है, अब मैं स्टफिंग तैयार करूंगी। उसके लिए मेरे पास है यहाँ पे गोभी, और ये है मेरे पास ग्रेटर। तो मैं सबसे पहले गोभी ग्रेट कर रही हूँ। ये हो गया है हमारा गोभी ग्रेट। अब हम लेंगे थोड़ी सी गाजर, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लूंगी। ये है हमारी स्टफिंग तैयार कटोरी में। अब मैं ये जो आटा मैंने बेला था, सॉरी माड़ा था, उसकी मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी, और अब मैं इसको बेलूंगी गाइस। तो मेरे मैदे की रोटी हो गई है तैयार, गोल गोल रोटी। अब मैं इसमें डालूंगी स्टफिंग, ये गया इसके अंदर। अब मैं गाइस इसको फोल्ड करूंगी। ये हमारा छोटू
मोमो तैयार हो गया है। तो गाइस मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये एक बर्तन, उसके ऊपर मैं डालूंगी यानी कि इसके अंदर मैं डालूंगी पानी ताकि मोमोज को स्टीम कर पाऊँ। उसके ऊपर मैंने बनाई है ये छन्नी, इसमें मैंने छेद कर दिया है एक प्लेट में। ये अब रख रही हूँ मैं अपने मोमोज इसमें और मोमोज को मैं ढाक दूंगी एक वापस बैक टू आर बेसिक कटोरी। आई थिंक इससे बहुत अच्छे से स्टीम होंगे। तो बस हो गया, अब हमें वेट करना है। आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे और बन जाएंगे हमारे यम्मी टेस्टी मोमोज। लग रहा है कि अब बस मोमोज हमारे रेडी होने वाले हैं। लेकिन मोमोज बहुत सही बने गाइस, मजा आ गया, एकदम स्टीमी और गर्म हो रखे हैं। आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ ना, नेक्स्ट लेवल। छोड़ो ये सब, शेफ ही बन जाती हूँ मैं। वो मोमोज बन गए। आप हो गए हैं लेट क्योंकि मोमोज बन भी गए और खप भी गए। लेकिन मेरी पहेली का क्या? तेल लेने जाओ तुम, समझे ना, फटे बोरे में वो भी। जब तुमको टाइम पे आना चाहिए था ना, टाइम पे आओ, पहेली दो, तब मुझसे चैलेंज करवाओ। कोई बात नहीं, अगली बार और टफ पहेली दूंगा। हाँ देख लेंगे देख लेंगे। पतीले में है पानी गरम, तो हम उबाल लेते हैं आलू फॉर बर्गर। अब हम बर्गर बनाएंगे, बर्गर बनाऊंगी, बर्गर खाऊंगी। आलू उबालने के लिए रखती है गाइस, तब तक मैं बर्गर की और तैयारी करती हूँ, बर्गर एंड फ्राइज। फ्राइज के लिए अब हम काटेंगे आलू और वो भी एकदम पतले पतले। तो फ्राइज के लिए अब मैं सबसे पहले तेल गरम कर लेती हूँ और जब तक आलू हमारे उबल रहे हैं बर्गर के, तब तक हमारे फ्राइज बनके तैयार हो जाएंगे। तो अब फ्राइज को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे कॉर्न स्टार्च पे डिप करके थोड़ा कोट कर लेंगे। तो तेल हो गया है गरम, मैंने चेक कर लिया है। अब एक एक करके मैं फ्राइज इसमें फ्राई करूंगी। और फ्राई करने के लिए आपको चाहिए होती है कलछिरी, जो हमारे पास है विद छोटू कलछिरी। तो गाइज हमारे फ्राइज तैयार होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं वो। आप देख सकते हो तेल एकदम उबल उबल की गुजू 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 कर रहा है। तो गाइस फ्राइज हो गए हैं तैयार, इनको मैं क्यूट सी पैकेजिंग में सजा देती हूँ अच्छे से। आलू भी लग रहा है उबल गए हैं, तो जल्दी से आप आलू चेक करती हूँ मैं। हाँ काफी हद तक उबल गए हैं और इनको छील लेती हूँ। बर्गर के मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को यहाँ पे फोड़ लिया है और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा कच्चा प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और मसाला, ऑफ कोर्स मसाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी डाल ही देते हैं। अब इतना कुछ डाल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े सा ओरिगैनो भी डाल देते हैं। अब इसकी मैं एक पैटी बना लेती हूँ, इसको बस अच्छे से पहले मसोड़ के मिला दूँ, उसके बाद मैं इसमें ब्रेड भी मिलाऊंगी क्योंकि तलने के लिए आलू अगर हम डायरेक्ट तल देंगे तो वो फिस हो जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ बेस चाहिए होगा। बेस के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेड। एक पेड़ा बना लूंगी मैं। गाइस हमारी टिक्की पक तो गई है बट बहुत टाइम लगा क्योंकि चूल्हा छोटा है और आंच थोड़ी धीमी है, बट हो गई है हमारी बर्गर की टिक्की रेडी। ला 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 ला। चलो अब बर्गर असेंबल करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बन, चाकू से पहले इसे काट लेते हैं। सबसे पहले मैं बाइंडिंग एजेंट लगाऊंगी यानी कि हमारा प्यारा सबका प्यारा केचप।
केचप लगाने से जो भी सामान है वो इधर के उधर नहीं होगा। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आई थिंक टमाटर के और प्याज के स्लाइसेस में इसमें डालूंगी। तो अब मैं काट रही हूँ प्याज। ला 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 ला, अकलमंद हूँ मैं, मैंने छिलके से साथ ही प्याज काट दी। कोई बात नहीं, रॉ चीजें खाने में भी कभी कभी बहुत स्वाद होता है। हरा पत्ता भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें पैटी रख रही हूँ और एक चीज स्लाइस। ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बन रहा है गाइस। इसको मैं इस तरीके से मिनी फ्राइज एंड मिनी बर्गर इन द हाउस गाइस। लू मैन इज आल्सो इन द हाउस बेबी। अब क्या करना है? पहले बर्गर टेस्ट करवाओगी थोड़ा? देखो बहुत मेहनत से बना है, कम से कम 2 घंटे तो इस तेल को गर्म करने में लगे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहेली बोलो। तो सुनो, पहेली ये है, काला मुंह लाल शरीर कागज को है वो खाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उठा ले जाता। रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उसे ले जाता। शाम को मतलब उनको कोई लेके जाता है। काला मुंह लाल शरीर, डस्टबिन। गलत जवाब, लेटर बॉक्स। मेरा पिज्जा भी चला गया, अब ये भी चले जाएंगे, मैं नहीं दूंगी ये। पहली बार तो मैं चूक गया था, लेकिन इस बार दोनों चीजें लेके जाऊंगा। लू मैन के बच्चे, ये बर्गर और फ्राइज मेरा है, मैं भी देखती हूँ मुझसे कौन छीनता है। अब मैं कुछ और यमी बनाऊंगी अपने लिए और किसी को नहीं दूंगी। तो अब हम बनाने वाले हैं केक, और वो भी नॉट जस्ट वन, 3 लेयर केक। उसके लिए हमें चाहिए है, एक हमने केक का पीस लिया, और अब हम सबसे पहले, अब इसमें मुझे बड़ा एक गोल काटना है, तो मैं 2 का 1 काटूंगी। तो गाइस अब हम पाइपिंग करने वाले हैं अपने केक की। आर यू एक्साइटेड अनाया? एनु 3 लेयर केक तो नहीं बन पाया, बट हमारी प्रिंसेस रेडी होने वाली है। ये केक हो गया है एकदम रेडी, बन गई है हमारी सुंदर सी प्रिंसेस विद सुंदर सा हार। अच्छी लग रही है ना? तो जल्दी से हम इसको काटते हैं केक और खा जाते हैं। बताओ अब क्या करना है? हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी बताओ वरना पड़ेंगे डंडे। हाँ? मेरा अंडा तो ये हरा नहीं है, पर किसके हरे अंडे होते हैं? टॉर्टोइस के अंडे हरे होते हैं। मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया, ये है मटर। ला 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 ला, तो हम केक खाएंगे, चलो हम केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर लू। वेरी यम्मी अनाया, वेरी टेस्टी। तो कैसा लगा गाइज आपको आज का ये चैलेंज? मुझे तो बहुत सुपर डुपर मजा आया। अगर आपको भी जरा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा मिनी फूड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अपने सारे दोस्तों के लिए मस्ती मजा उनको भी तो दिखाओ जरा, वीडियो सबसे शेयर कर दो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।